ईडी की रेड कई जगह पर उत्तर प्रदेश में चल रही है और लखनऊ में भी ये रेड की जा रही है। साफ तौर से समाजवादी पार्टी के नेता सपा नेता विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी का छापा है और यहाँ पर साफ तौर से आप देख सकते हैं कि ये महानगर का वो घर है जहाँ पर ईडी के तकरीबन आधा दर्जन अधिकारी सुबह 7 बजे से यहाँ पर ईडी की रेड कर रहे हैं। और ये जो अपार्टमेंट है ये गंगोत्री रिप्रेजेंटेटिव का है, यहाँ पर कोयल ऑटोमोबाइल्स है, इसके साथ साथ अन्य ऑफिसेस मौजूद है जहाँ पर ये रेड चल रही है। बैंक लोन घोटाला केस हो इसमें ईडी ने छापा मार रही है, इसके साथ साथ गोरखपुर समेत कई ठिकानों पर ईडी का छापा चल रहा है। सुबह से ही ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा तकरीबन गोरखनाथ के धर्मशाला स्थित तिवारी हाथे में भी छापामारी चल रही है। गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम पर करोड़ों के लोन डिफॉल्ट, बैंक लोन डिफॉल्ट के मामले में भी ये छापेमारी की जा रही है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो लखनऊ की हैं, महानगर की, जहां पर कह सकते हैं कि गोरखपुर सपा नेता विनय शंकर तिवारी का ये ऑफिस भी है जहां पर ये छापेमारी की जा रही है। अभी तक तकरीबन आधा दर्जन जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और लगातार सुबह 4 से 5 घंटे हो जा चुके हैं इस रेड को जो अभी भी चल रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव आज तक।